नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये सेकंड पार्ट है ऑल अबाउट एमडीएस एडमिशन का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें उसका लिंक है और देखिए। क्योंकि कोई भी अगर एमडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कोई बच्चा चाहता है कि हाँ नीट पीजी के बाद, तो उसके पास सिर्फ दो क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्या मैं ड्रॉप कर लूँ। तो ये ड्रॉप करने का इरादा और जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उनका जो भी है सिचुएशन, इस दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर है वो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में है। आज हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे कि अगर हम मेडिकल कॉलेज ले रहे हैं, मतलब डेंटल कॉलेज अगर हम ले रहे हैं, तो हमें ब्रांच देखना है, मतलब ब्रांच इज मोर इम्पॉर्टेंट और कॉलेज इज मोर इम्पॉर्टेंट, और किस ब्रांच में करना चाहिए और किस ब्रांच का कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है। कुछ प्राइवेट कॉलेज भी है जो बहुत अच्छे हैं, जिसको सेमी गवर्नमेंट में डाला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले ब्रांच और कॉलेज का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ब्रांच या कॉलेज, तो बहुत सारे लोग का आंसर ये होगा कि नहीं भाई, ब्रांच इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ब्रांच हमारे साथ पूरी लाइफ टाइम रहेगी और कॉलेज तो हमारे साथ रहेगा नहीं। कुछ लोगों का कहना होगा नहीं, कॉलेज इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो टैग लाइन हमेशा मेरे साथ रहेगा, मैंने मौलाना आजाद से किया है, मैं एम्स दिल्ली से किया हूँ, ये सब चीज़ें मायने रखेगी। तो ये दो क्वेश्चन हैं, डिफरेंट क्वेश्चन, और आपको इसका आंसर चाहिए होगा कि विच वन इज बेटर। तो अगर मेरी मुझसे पूछा जाए तो मैं बोलूंगा कि ब्रांच इज मोर इम्पॉर्टेंट बट विथ रिस्पेक्ट टू कॉलेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको कि कोई एक कॉलेज है जो पहाड़ों पे बसा हुआ कॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल के लिए शिमला ले लेते हैं। शिमला का जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, वो पहाड़ों पे है। अब अगर आपने वहाँ पे ओएस ले लिया, सपोज आपने ओएस सेलेक्ट किया वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको बहुत दिक्कत हो। क्यों? क्योंकि बहुत कम केसेस आएंगे ओएस के, फ्रैक्चर केस वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ों के चोटियों पे है, बहुत ऊंचाई पे है जाकर के कॉलेज, तो जो भी ट्रॉमा केसेस होंगे वो नीचे ही सॉल्व कर लिए जाएंगे, लोग ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो उस कॉलेज के लिए तो आपके लिए बहुत बड़ा ये बैन हो गया, एक तरह से ना एक बिसाप हो गया कि हाँ भाई मैं वहाँ पे गवर्नमेंट में ओएस भी ले लिया और मैं बहुत कुछ नहीं सीख पा रहा हूँ वहाँ जाकर। तो ये एक प्रॉब्लम आएगी। सबसे जो बेस्ट ब्रांच होता है जिसके लिए आपको कुछ नहीं सोचना होता है, वो होता है इंडोडोंटिक्स। आप इंडोडोंटिक्स कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी कॉलेज में ले सकते हैं। रीज़न ये है कि आपके दांत में पेन होगा पेशेंट को, तो वो आएगा, और अगर पेन हुआ तो सबसे पहले आप ही के पास आएगा। उसके बाद आप उसको भेजोगे कि हाँ ठीक है, आरसीटी इसमें नहीं हो सकता है, हम इस दांत को नहीं बचा सकते हैं, तो आप ओएस को सेंड करोगे, फिर ओएस वाले उसको आफ्टर एक्सट्रैक्शन प्रोस्टो को सेंड करेंगे। तो जो इंडो है उनको तो कुछ सोचना ही नहीं, वो कहीं भी ले लो आप अगर आपका इंडो च्वाइस है तो। और इंडो बहुत अच्छा फील्ड है। अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे कोई इमरजेंसी ड्यूटी नहीं करनी है, बहुत आराम से ज़िंदगी जीनी है, तो इंडो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप इंडो ले लो, किसी भी कॉलेज का लें, बट गवर्नमेंट कॉलेज। और प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हो तो आप फर्स्ट मेरे वीडियो में जाओ, पार्ट वन में, जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप चेक करो कि आप किस किस कैटेगरी में हो और आप कहाँ पे हो, तो आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हो। ये मैं आप पे चॉइस छोड़ता हूँ, किसी से मत पूछो। फर्स्ट पार्ट देखो, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है या नहीं लेना है। अब बात करते हैं ओएस की। सबसे पहले जितने भी डेंटिस्ट हैं सबके मन में होता है कि नहीं मुझे ओएस चाहिए, हर किसी का होता है कि नहीं मुझे ओएस चाहिए। तो अगर ओएस है तो ओएस का जो बेस्ट कॉलेज है, अब आप में से बहुत लोग कह रहे होंगे एम्स दिल्ली, बहुत लोग कह रहे होंगे मौलाना आजाद, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको ओएस चाहिए और ओएस का सबसे बेस्ट कॉलेज चाहिए तो वो है केजीएमयू लखनऊ। आप केजीएमयू लखनऊ में ओएस लीजिए, वो बेस्ट कॉलेज है। कहा जाता है कि एशिया का नंबर वन कॉलेज है, नॉट फॉर ओनली इन इंडिया, पूरे एशिया में उसका रैंक वन आता है ओएस के लिए। लास्ट ईयर भी जिसका रैंक ऑल इंडिया रैंक वन था, ऑल इंडिया रैंक टू था और ऑल इंडिया रैंक थ्री था, उन सब ने ओएस लिया था और केजीएमयू का ही ओएस लिया था। अब बात करते हैं ओएस और कहाँ कहाँ का ले सकते हैं आप। उसके बाद फिर आप दिल्ली आ जाइए, दिल्ली में लेडी हार्डी में ओएस की सीट है, वो भी बहुत अच्छी सीट होती है। फिर आप जा सकते हैं ओएस के लिए मौलाना आजाद, एम्स दिल्ली, नो डाउट आप बिल्कुल जा सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन मिलता है साउथ का, आप गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बेंगलोर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नायर डेंटल कॉलेज बॉम्बे भी बहुत अच्छा है ओएस के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी खराब है, बाकी भी अच्छे कॉलेज ही होंगे, उनके भी अच्छे ब्रांच होंगे, बट हम बात कर रहे हैं बेस्ट, कि विच वन इज़ द बेस्ट वन। फिर आप जा सकते हैं बीएचयू का भी ओएस बहुत अच्छा है, जो कि अब एम्स के अंदर आता है, तो वहाँ के लिए एम्स क्वालिफाई करना होगा। एएमयू में जा सकते हैं ओएस के लिए आप। तो ये सारे ओएस के लिए। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज। सपोज किसी को ओएस ही करना है और उसकी रैंक भी मान लीजिए 300-400 के बीच में लाई कर रही है, उसको ओएस तो नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज में।
देन गो फॉर प्राइवेट कॉलेज। और आप अगर प्राइवेट में जा रहे हैं ओएस के लिए इस रैंक पे, तो आपको एक अच्छा कॉलेज लेना चाहिए। जैसे धारवा में एक कॉलेज है एसडीएम धारवा, वो ले सकते हैं आप, मणिपाल ले सकते हैं आप। आप चंडीगढ़ में आ जाइए, चंडीगढ़ में बहुत सारे अच्छे अच्छे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे सीएमसी लुधियाना। सीएमसी लुधियाना आप इजीली लीजिए, आपको वहाँ पे 35,000 रुपीज़ का स्टाइपेंड भी मिलेगा पर मंथ, और फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है उसकी, 4.5 लाख रुपीज़ है। तो नियरली आप जितना पे कर रहे होते हैं उतना आपको रिटर्न मिल जाता है, मतलब आपकी एजुकेशन नियर टू नियर फ्री होती है वहाँ। फिर आप ले सकते हैं मणिपाल, मणिपाल का बहुत अच्छा ओएस है। फिर आप ले सकते हैं डीवाई पाटिल, बट डीवाई पाटिल बहुत महंगा होता है। डीवाई पाटिल आपको लगभग 50 लाख के अराउंड में होगा। और क्या ध्यान रखना चाहिए अगर ओएस हम प्राइवेट कॉलेज से ले रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ओएस जब आप प्राइवेट कॉलेज से ले रहे हैं तो ये कंसिडर जरूर कीजिए कि जिस कॉलेज में आप ओएस ले रहे हैं प्राइवेट में, वहाँ पर उसका खुद का एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मणिपाल, डीवाई पाटिल, गीतांजलि उदयपुर में है, फिर आपका पैसिफिक है उदयपुर में, बहुत सारे और भी, मैं ये नहीं कह रहा दीज आर द बेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे कॉलेज में प्रेफर कीजिए जहाँ पर कि एमबीबीएस की भी पढ़ाई होती हो। उसमें फ़ायदा ये होगा कि जितने भी ट्रोमा केसेस होंगे वो सब आपको मिलेंगे, आपकी जो ड्यूटी होती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगती है इमरजेंसी में, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और सपोज़ आपने एक ऐसे कॉलेज में लिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेंटल कॉलेज है, तो उसके पास तो वो 9 to 4 ही रहता है कॉलेज, फिर तो कॉलेज बंद हो जाएगा, उसका खुद का एमबीबीएस कॉलेज नहीं है, तो उस पर लोकल एनेस्थेशिया वाले, लोकल एनेस्थेशिया तो आप दे देंगे, ये जनरल एनेस्थेशिया देने के लिए उनके पास डॉक्टर नहीं होगा। कोई भी ट्रोमा केस आएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो बस ट्रोमा केस आएगा ही नहीं। और ओएस जो है वो जो इम्पैक्शन ऑफ टूथ होता है ना, उससे कहीं ऊपर है, यहाँ से तो स्टार्ट ही होता है ओएस, इसके आगे बहुत कुछ है ओएस में, ओएस इज अ वास्ट थिंग, और अगर आप अच्छे से नहीं किए तो कोई मतलब नहीं है फिर ओएस का। तो ये बात हो गई ओएस की। अब जो सेकेंड सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल ब्रांच होता है वो होता है ऑर्थो, और ऑर्थो आप कहीं से भी कर सकते हैं। एक उस ब्रांच के साथ ये बेनिफिट है, ऑर्थो आप कहीं से भी ले लीजिए, फ्रॉम एनी वेयर इन इंडिया, जहाँ भी आपको ऑर्थो मिले आप ऑर्थो उठा लीजिए, ऑर्थो में कोई दिक्कत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो केसेस के लिए लोग आते ही आते हैं, बट इसमें भी एक है सो कॉल्ड, या जो भी आप कहिए, कि ऑर्थो आज रूरल एरिया में नहीं हो रहा है, ये सिर्फ अर्बन एरिया में होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होता है। तो अगर आप ऑर्थो लेना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मुंबई का कोई कॉलेज ले लिया, दिल्ली का ले लिया, मैंगलोर का ले लिया, कलकत्ता ले लिया, इन सब कॉलेज का फ़ायदा ये है ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, दिल्ली के कॉलेज हो गए, यहाँ पर लोग ज़्यादा जागरूक हैं अपने फेसियल एस्थेटिक्स को लेकर के, तो यहाँ पर आपको 1.5-2% मिलेंगे करने। तो ऑर्थो भी बहुत अच्छा ब्रांच होता है, मतलब अगर देखा जाए, मतलब ब्रांच तो सारे अच्छे होते हैं, बट ओएस के बाद ऑर्थो आ जाता है। ऑर्थो के बाद जो सबसे ज़्यादा लोग अडॉप्ट करते हैं ब्रांच को, वो होता है प्रोस्टोडोंटिक्स। प्रोस्टोडोंटिक्स के लिए जो सबसे अच्छा कॉलेज है वो है मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज दिल्ली, क्योंकि उसमें हम सब जानते हैं कि डॉक्टर महेश वर्मा सर थे वहाँ के डीन, और उन्होंने इसको बहुत 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 बुलंदियों पर ले गए, तो वो बेस्ट कॉलेज है। प्रोस्टोडोंटिक्स अगर करना चाहते हैं आप तो मौलाना आजाद इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर यू। आफ्टर मौलाना आजाद अगर आप जाना चाहते हैं तो आप फिर प्रोस्टो के लिए बीएचयू जाएंगे। बीएचयू बहुत अच्छा कॉलेज है फॉर प्रोस्टोडोंटिक्स। आफ्टर बीएचयू अगर आपको कोई चॉइस फिलिंग के लिए मिलती है चांस, तो आप एएमयू फिल कर सकते हैं। आफ्टर एएमयू भी आपको लग रहा है एएमयू भी नहीं मिल पा रहा है, तो आप नया डेंटल कॉलेज के लिए जाइए, या फिर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बॉम्बे के लिए जाइए। फिर आप गोवा भी जा सकते हैं, गोवा का ओएस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हाईवे पे है और बहुत ज़्यादा ट्रॉमा केसेस उसके पास आते हैं, तो गोवा का भी बहुत अच्छा है। अब आप गोवा का नाम सुनते हैं कुछ और ख्याल मत ले आइएगा, क्योंकि गोवा आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, एमडीएस करने जा रहे हैं, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है ओएस के लिए। तो प्रोस्टो में आपके पास ये सारे कॉलेजेस मिल जाते हैं आपको। आफ्टर दैट प्रोस्टो के बाद इंडो की बारी आती है। इंडोडोंटिक्स नो डाउट आपको जहाँ भी मिले आप ले लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे कोई भी कॉलेज हो, बस ध्यान रखिए गवर्नमेंट कॉलेज हो। और अगर प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो पार्ट वन वीडियो पहले देखिए, फिर आपको लगता है कि हाँ यू आर कैपेबल, तो आप फिर जाइए प्राइवेट कॉलेज के लिए। अब बात करते हैं जो नॉन क्लिनिकल्स होते हैं, जैसे आपका पीएचडी हो गया, पीएचडी एक तरह से आप सेमी क्लिनिकल में डाल सकते हैं, ओएमडीआर हो गया, ओरल पैथ हो गया। तो मान लीजिए किसी बच्चे को ओरल पैथोलॉजी मिल रही है, सपोज ओरल पैथोलॉजी आपको मिल रही है गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि लास्ट लास्ट में बहुत लोग छोड़ते हैं, तो बहुत यूज तक जाती है वो, मतलब जैसे 300 में ख़त्म हो रही है, नेक्स्ट राउंड में 400 वाले को भी मिल जाएगा ओपी, 500 वाले को भी मिल जाएगा ओपी। तो जो ओरल पैथोलॉजी ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा ब्रांच बहुत ख़राब है, ब्रांच बहुत अच्छा है, बट उसका स्कोप नहीं है,
आप सिर्फ 3 साल मान लीजिए आपने मौलाना आजा के एम्स दिल्ली से ओपी कर लिया सपोज दैट, और टायर वन सिटी में आप हैं, ठीक है, टायर वन सिटीज में, तो वहां पर इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप एमडीएस लिख तो सकते हैं बट एमडीएस के बाद आप ये नहीं, आप किस ब्रांच में एमडीएस किए, आपने 3 साल अपना दिया, लेकिन इसकी वैकेंसीज बहुत कम आती हैं अलग अलग कॉलेज में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रांच खराब है, हर ब्रांच अपनी जगह पर बहुत अच्छा है, बट स्कोप इसमें बहुत कम हो जाता है, और एक तरह से आपका ये 3 साल पूरा वेस्ट हो जाता है। आप 3 साल नॉन क्लिनिकल ब्रांच में करते हैं अपना, तो आपका प्रैक्टिस छूट जाता है क्लिनिकल ब्रांचेस का, और फिर जब 3 साल बाद क्लिनिक ओपन करते हैं, 3 साल बाद जब क्लिनिक ओपन करते हैं, तो आपको फिर से एक नई सीरीज स्टार्ट करना होता है, एंड इट टेक्स मोर टाइम। तो मेरा सजेशन है कि अगर आपको ओपी मिल रहा हो, पीएचडी मिल रहा हो, एमडीआर मिल रहा हो, भले वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा हो, इट्स मच बेटर कि आप अपनी क्लिनिक ओपन कर लीजिए, और साथ ही साथ आप कुछ ना कुछ और कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप कोई फेलोशिप कर लीजिए, आपका इम्प्लांट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, बट आपको ओएस नहीं मिला, प्रोस्टो नहीं मिला, पेरियो नहीं मिला, तो ठीक है, आप इम्प्लांट में चल जाना चाहते हैं, आपको इम्प्लांट अच्छे से करना है, आप इम्प्लांट का कोई फेलोशिप कर लीजिए, दैट इज मच बेटर देन डूइंग ओपी। एक टाइम था जब ओपी का बहुत क्रेज था, बहुत कम टीचर्स प्रोफेसर्स मिलते थे, बट आज ऐसा नहीं है, आज ओपी में वो क्रेज नहीं है, आपके पास वैकेंसीज नहीं होंगी। तो ओरल पैथोलॉजी को थोड़ा अवॉइड कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत लीजिए या लीजिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसको अवॉइड कीजिए, आपके पास लिमिटेड सोर्स हो जाएंगे, आप पूरे साल नॉन क्लिनिकल माइक्रोस्कोप के साथ रहोगे हमेशा, ठीक है, और जब आप क्लिनिक ओपन करोगे तो फिर आपका सब कुछ चेंज हो चुका होगा सिनेरियो, और आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर आपको क्लिनिक भी, मैं पिछली वीडियो में भी बोला था कि जो क्लिनिक है भले आप एम्स दिल्ली से करके आ जाओ, बट जब क्लिनिक ओपन करोगे तो इट टेक्स टाइम, वो समय लेगा, मिनिमम 1 ईयर, 1.5 ईयर, तो जाके आप फुल फ्लेज में क्लिनिक को रन कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट, ये हमेशा याद रखिए, एमडीएस में ये नहीं है कि आप एमडीएस करके वापस आ गए तो आपके पास सब कुछ है, यू विल डू एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आपको कुछ ना कुछ फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा। बस ये फर्क होगा कि आपके पास एक डिग्री होगी, एक नाम होगा एम्स दिल्ली का, एक बहुत अच्छे कॉलेज का, तो वो बहुत जल्दी आप फास्ट ग्रोइंग करके बहुत जल्दी जल्दी डेवलप कर लोगे, बस यही एक डिफरेंस होगा और कुछ नहीं होगा। सो प्लीज़ आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ये फाइनल करो तो उसके बहुत ही सोच समझ के फाइनल करो, आपको करना क्या है, किस टाइप से जाना है और किस टाइप से नहीं जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें नेक्स्ट, सपोज किसी बच्चे को केरला का मिल रहा है कोई कॉलेज और क्लिनिकल ब्रांच मिल रहा है, और वो बच्चा दिल्ली का एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, और दिल्ली में उसको ओपी मिल रहा है, सपोज दैट, देन गो फॉर केरला, नॉट फॉर ओपी, ओके। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि मैं मौलाना आजाद से कर रहा हूँ, मौलाना आजाद सिर्फ 3 साल आपके साथ घूमेगा, आपके साथ यहाँ 3 साल तक मैं मौलाना आजाद से कर रहा हूँ, मैं मौलाना आजाद से कर रहा हूँ, बस इसके बाद जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो आपके पास एक टैग लगा होगा कि आप एमडीएस ओपी में हो। अब हमेशा जो भी वैकेंसी आएगी वो ओपी वाले में आप बस फिलअप कर सकते हो, और आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा छूट चुका है, तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, एक यूज डिस्टेंस बन जाएगा। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, कि आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि ठीक है, हमने ले लिया, तो क्या, बहुत लोगों का होता है रिक्वेस्ट, कितने पैसे लग जाते होंगे एमडीएस में। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो आपको एमडीएस में कोई पैसे नहीं देने होते, मतलब आपकी फीस नियरली 50,000 अ ईयर होती है, लेकिन आपका स्टाइपेंड मोर देन 70,000 पर मंथ होती है, मतलब आपको एक महीने में जितना स्टाइपेंड मिलेगा वो ईयरली फीस भी उससे बहुत कम होती है, 50% होती है। तो बहुत, जो भी लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस करना चाहते हैं अपने लाइफ में, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर लीजिए। उसका क्या बेनिफिट होता है कि आपको जो स्टाइपेंड मिल रहा है, सपोज एक कैलकुलेशन निकालते हैं कि आपको अगर दिल्ली में हो तो 96-97,000 पर मंथ मिलेगा, बट ऑन एवरेज मैं पूरे इंडिया का लूँ तो आफ्टर सेवन्थ पे स्केल जब से आया तब से स्टाइपेंड इंक्रीज हुई है, और नियरली वो स्टाइपेंड हो गई है 65,000 रुपीज़। मैं एवरेज लिया हूँ, किसी कॉलेज में 90,000 रुपीज़, दिल्ली के आप किसी कॉलेज में चले जाओ नियरली आपको 1,00,000, 1,05,000, 96,000 ऐसे आपको मिलेगा। यूपी में भी आप जाओगे केजीएमयू में तो 89,000 है, बीएचयू में भी जाओगे तो 87,000 है, तो ये अलग अलग जगह पे चेंज होता है। तो चलो ओवरऑल हम लोग 65-70,000 ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कम से कम 70,000 रुपीज़ ले लिया पर मंथ का स्टाइपेंड। तो आपको फ़ायदा ये है इसमें कि 70,000 रुपीज़ का अगर है तो नियरली 8,00,000 रुपीज़ आपने एक साल में अर्न किया, नियरली अगर 70 से भी कैलकुलेट करें तो 8-9,00,000 रुपीज़ आपने अर्न कर लिया। अगर आप 8,00,000 भी करते हैं तो 3 ईयर में 24,00,000 रुपीज़ आपने सेविंग की अपनी, और जब कॉलेज लाइफ में होते तो आपको हॉस्टल मिलता है, सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं रहने के लिए। तो अगर आपने 20,00,000 भी सेव किया, 4,00,000 रुपीज़ आपने खर्च भी कर दिए, 20,00,000 भी सेव किया, तो आफ्टर एमडीएस आपको अपने फैमिली वालों से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे कि हाँ मुझे एक अच्छा सा क्लिनिक ओपन करना है और मुझे 20,00,000 रुपीज़ चाहिए।
और आप यकीन मानिए, अगर आप 20 लाख रुपए लगा रहे हैं या 25 लाख रुपीज़ लगा रहे हैं अपने होम टाउन में जाके क्लिनिक ओपन करने में, तो आपसे ज़्यादा खूबसूरत किसी और का क्लिनिक नहीं होगा और आप एक एलाइट क्लास क्लिनिक में आ जाएंगे। हम इस पर चर्चा करेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे एलाइट क्लास क्लिनिक पे, कि एलाइट क्लास क्लिनिक होती कैसी है। लेकिन आपका जब क्लिनिक इतना खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड क्लिनिक होगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो हर डिस्ट्रिक्ट में 12-15% लोग होते हैं जो एलाइट क्लास में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए IAS, IPS, बड़े बड़े डॉक्टर, ये सब 10 to बड़े बड़े बिजनेसमैन 10-12% आते हैं, जो आपको एक अच्छा चार्ज पे कर सकते हैं। तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा क्लिनिक में और बहुत सक्सेसफुल क्लिनिक ये चलेगा। तो आप मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, और अगर प्राइवेट कॉलेज मिले तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ध्यान रखिए कि आप कैपेबल हो उस फीस को देने के लिए। कभी मत सोचें कि जो आप प्राइवेट कॉलेज में MDS करने के लिए 40-50 लाख रुपये फीस दे रहे हैं, उस पैसे को आप खुद से कमाकर फिर लोन चुका दोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा बाद में। सो इट्स मच बेटर गो फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, गो फॉर गुड ब्रांच। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करें, मेरे ईमेल आईडी पे सेंड करें, जहाँ भी आपको लगे, जो भी क्वेश्चंस आपको लगे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। बट प्लीज़ टेक केयर कि आप एक अच्छा ब्रांच लें और एक अच्छा कॉलेज लें, बिल्कुल भी इधर उधर ना करें इस चीज़ को लेकर कि हाँ मैं ये ब्रांच ले लूँ, वो कॉलेज अच्छा है वो ले लेता हूँ, ऐसा ना करें। आपको जहाँ भी कॉलेज मिले लीजिए, ब्रांच अकॉर्डिंग टू लीजिए उसके। और अगर आपको नॉन क्लिनिकल ब्रांच मिल रहा है तो जस्ट थिंक वंस कि क्या आपको जाना है इसके साथ या नहीं जाना है। मेरा सिर्फ सजेशन है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको नहीं जाना चाहिए, बट मेरा सजेशन है कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है डेंटिस्ट्री में। उससे बेटर है कि आप फेलोशिप कर लें, और फेलोशिप में बहुत बहुत स्कोप है, बहुत सारे फेलोशिप्स आ गए हैं आज के टाइम पर। सो होप आपको बहुत अच्छा लगा हो ये वीडियो, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उनको भी आप ये वीडियो सेंड करें। Thank you.